आपका होना हमारे मध्य में सौभाग्य है माननीय श्रीमान। ये माइक्रोफोन आपको समर्पित है। आज हम वीर और शूरों की धरती जोधपुर, जिसका अपना इतिहास है और जिसका न्यायपालिका के रूप में एक बड़ा इतिहास है, उसके 75वें स्थापना दिवस को मनाने यहां पर आए हैं। मुझे खुशी है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर इस न्यायालय ने आम जनता को सुलभ, सस्ता, त्वरित न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जस्टिस पंकज मित्तल जी, जिनको आप सब जानते हैं और जिन्होंने यहां पर ही अपनी प्रैक्टिस की, फिर राजस्थान हाई कोर्ट के जज बने, फिर असम की धरती पर मुख्य न्यायाधीश बने और आज इसी धरती के संदीप मेहता जी सुप्रीम कोर्ट में अपनी विद्वता के माध्यम से राजस्थान का नाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस श्री M.M. श्रीवास्तव साहब, जस्टिस S.S. शिंदे जी, जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी जी, जिन्होंने यहीं प्रैक्टिस की, यहीं वकालत की और राजनीति में सफर में आज राजस्थान के कानून मंत्री के रूप में काम संभाल रहे हैं, श्री जोगाराम पटेल जी और इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, श्री रत्नाराम थोलिया जी, महासचिव शिवलाल जी, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र धादी जी, राजस्थान हाई कोर्ट के महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बुनेश शर्मा जी और जिन्होंने लंबे समय तक राजस्थान और देश के अलग अलग न्यायालयों में अपनी सेवाएं दी जस्टिस के रूप में, वो सभी न्यायाधीश हमारे राजस्थान में जोधपुर और जयपुर के सभी माननीय न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारीगण और हमारे सभी अधिवक्तागण, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयासों से इस 75 वर्ष की यात्रा में जोधपुर हाई कोर्ट का नाम अपने कार्यों से, अपनी गुणवत्ता से एक अलग पहचान बनाई है। आज मैं उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर योगदान देने वाले जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, चाहे जुडिशियल में जस्टिस रहे हों, चाहे अधिवक्ता रहे हों, उन सबको भी स्मरण करता हूं कि उनके अथक प्रयासों, अथक योगदान से इस यात्रा में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और वह सभी बार और बेंच के अतिथि, सम्माननीय जस्टिस, अधिवक्ता, यहां के कर्मचारी, यहां के अधिकारी, यहां से हर छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी यहां पर
अपनी समर्पण से, अपनी सेवा से, क्योंकि राजस्थान त्याग की धरती है, अपने जीवन का समर्पण त्याग से इस राजस्थान के जोधपुर हार्ट कोर्ट की जो सेवाएं दी हैं उन सबको भी हम याद करते हैं और उनकी सेवाओं को धन्यवाद देते हैं। इस यात्रा के अंदर सौभाग्य राजस्थान का कि 28 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने देश के उच्चतम न्यायालयों के अंदर अपनी सेवाएं दी। यहां के कई प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं ने देश के अंदर भी सेवाएं दी, देश के बाहर भी सेवाएं दी। यह हम सबको गर्व होता है कि यहां के बार और बेंच के जितने भी लोग यहां से निकले उन्होंने जहां भी काम किया इस राजस्थान का गौरव सम्मान बढ़ाया। और इस ऐतिहासिक 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने बहुत सारे परिवर्तन किए और उस परिवर्तन को करते करते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम लोगों को सस्ता, सुलभ, सहज रूप से न्याय दिला सके। लेकिन अभी हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, हमारी यात्रा का भी पड़ाव अंतिम पड़ाव भी नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव जब होगा जब हम प्रदेश और देश के अंदर अंतिम व्यक्ति को त्वरित न्याय दिला दें। आज हमें खुशी है कि भारत के की जनता के अंदर न्यायालयों का और न्यायाधीशों के प्रति अटूट विश्वास है और इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने देश और प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं खोया। आज हमें गर्व है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जब दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में भी कई लोकतंत्र के अंदर प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोगों के विश्वास को जीता, भरोसे को जीता। लोकतंत्र प्रति हमारी आस्था है, विश्वास है। और जब दुनिया के देशों में हम बताते हैं कि 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपना मतदान कर लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार को चुना तो सब अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों के अंदर भी कोई 15 करोड़, कोई 10 करोड़, और उनमें भी उनकी चुनाव प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है। लेकिन भारत के अंदर हमारा निर्वाचन आयोग पर विश्वास भरोसा है कि उन्होंने इतनी लंबी लोकतंत्र यात्रा के अंदर अपनी पारदर्शिता से, जवाबदेही से, समाज का एक व्यक्ति भी मतदान करने के लिए अगर आवश्यक हो तो उसका मतदान कराकर निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और जब देश आजाद हुआ था तो लोगों को लगा था कि इतनी बड़ी विविधताओं वाला देश, इतनी जातियां, इतनी भाषा, दुनिया के सारे धर्म भारत में हैं, यहां विभिन्न जातियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है, हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, इतनी बड़ी विविधताओं के अंदर कैसे लोकतंत्र चलेगा। लेकिन हमने दुनिया में साबित कर दिया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में
हमारी पहचान लोकतंत्र की आजादी के बाद की पहचान नहीं है। हमारे लोकतंत्र की पहचान हमारे जीवन की हर कार्यशैली में लोकतंत्र रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और दुनिया के अंदर हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली में, हमारी परिप्रेक्ष्य में, हमारी कार्य संस्कृति में हमेशा लोकतंत्र रहा था, और आजादी के बाद 75 वर्ष की यात्रा में हमने साबित कर दिया कि लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और इसीलिए जब इस बजट सत्र के अंदर मैं बजट के आवंटन को देख रहा था तो 1947 के अंदर पहला बजट 175 करोड़ का था, 52 के अंदर 400 करोड़ का, आज इस 75 वर्ष की यात्रा में 48 लाख करोड़ का बजट संसद में रखा गया। हमने इतनी प्रगति की है, हमने आर्थिक रूप से प्रगति की, हमने लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन किया, लेकिन अभी हमारा पड़ाव और है कि दुनिया के अंदर हम ये साबित करेंगे कि भारत के अंदर हमने लोकतंत्र और के माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाई, यह हमें साबित करने के लिए भी और काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उसमें न्याय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर कानून का राज रहता है, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति को भी पता है कि अगर शासन मुझसे न्याय नहीं करेगा, कार्यपालिका मुझसे न्याय नहीं करेगी, तो मैं अदालत में जाकर मुझे न्याय मिलेगा, ये विश्वास भरोसा जब तक रहेगा जब तक हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो सबको अपने अपने कार्यों का विभाजन किया था, कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी। और आज हम कह सकते हैं कि इन तीनों अंगों को जहां साथ चलने की आवश्यकता भी है, वहां स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की भी आवश्यकता है, और इसीलिए तीनों अंग स्वतंत्र रूप से चलेंगे, निष्पक्ष रूप से चलेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाना, त्वरित दिलाना, उसके अभाव, उसकी कठिनाई, उनकी समस्याओं का समाधान करना, यह हमारी कार्यप्रणाली में रहेगा तो यह देश आगे बढ़ता रहेगा। और इसीलिए हमने लोकतंत्र में चर्चा, समाज से सहमति असहमति से हमने इस देश को आगे बढ़ाया है। हमने बड़े से बड़े मुद्दों को समाधान लोकतंत्र में बातचीत से किया है, और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत के प्रति विशिष्टता है, प्रमाणिकता है, दुनिया के अंदर देश हमारा आगे बढ़ रहा है और दुनिया की नजर भारत की ओर है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस कथन को, उनके संकल्प को दोहराना चाहता हूं जिन्होंने कहा है कि जब आजादी के 100 साल हों तो दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व भी करे और एक विकसित भारत के सपने को भी हम पूरे कर सकें। और ये विकसित भारत के सपने को जब पूरा करेंगे, जब हमारी न्याय व्यवस्था प्रबल होगी, और इसीलिए मुझे खुशी है कि इस न्याय व्यवस्था को सरल, सुबह सहज बनाने के लिए यहां टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया है। पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब ने एक प्रेजेंटेशन दिया कि हमने देश के उन उच्च न्यायालयों से बेहतर और कई इनोवेशन ऐसे किए हैं जो किसी देश के राज्य में नहीं है। उन इनोवेशन के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति को भी
सहज रूप से, सरल रूप से न्याय भी मिले, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भाषाओं के अंदर जो आम व्यक्ति की भाषा है, जो उस प्रदेश की भाषा है, देश की भाषा है, उसमें निर्णय करना, निर्णय का अनुवाद करने के कई काम किए, वह भी अपने आप में इनोवेशन है। क्योंकि जिसको न्याय प्राप्त हुआ है वह अपने फैसले को ठीक से पढ़ सके, जजमेंट को समझ सके, और इसीलिए ये सभी राज्यों के न्यायालय ने किया है। जोधपुर ने भी इसमें कदम बढ़ाया है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। अभी मुझे मित्तल साहब बता रहे थे कि किस तरीके से छोटे छोटे, हम भी बरसों से राजनीति जीवन में रहे, हमने भी राजनीति जीवन गुजारा कि हमने कई कोर्टों के अंदर भी हम गए, किस तरीके से एक गरीब व्यक्ति जब गांव से चलकर आता है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर और उसको पता चलता है कि उसकी तारीख चेंज होगी तो उसका मन बहुत दुखी होता है। मैं हमेशा बेंच और बार से आग्रह करना चाहता हूं कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति के जीवन को देखो। हमारी कोशिश होना चाहिए कि सबसे जो गरीब है उसको हम कैसे सबसे सरल सस्ता न्याय दिला सकते हैं। इस पेंडेंसी को खत्म करने का प्रयास हमने किया है, लेकिन उस पेंडेंसी के बाद भी हम संवेदना के साथ, न्याय के साथ, जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है उसको सहज रूप से समझते हुए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जोधपुर के अंदर 17 जिले लगते हैं, एक व्यक्ति अगर जैसलमेर से आएगा तो उसको 700 किलोमीटर से आना पड़ेगा, और इसलिए बार बेंच लगातार संवाद करे, चर्चा करे, बैठे। और जैसा अभी हमारे संदीप जी ने बताया किस तरीके से उन्होंने असम राज्य के अंदर उन सब चीजों को परिवर्तन करने का काम किया जो बेहतर या इनोवेशन हो सकता था, काम किया। 14-14 साल तक जो जेलों में थे, न्याय नहीं मिल रहा था, उनका फैसला किया। जब व्यक्ति फैसला करने वाला ये सोचता है कि मुझे न्याय करना है, न्याय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अलग अलग नजरों में हो सकता है, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर वह कोशिश करता है कि मेरी कोशिश होगी जो मैंने समझा, परखा, देखा, जो मुझे एविडेंस मिले उसमें मैं न्याय करूं। ये अगर विचार होता है तो त्वरित न्याय करता है, जल्दी न्याय करता है। कभी मन में शंका होने लगी थी मैं जल्दी न्याय करूंगा, त्वरित न्याय करूंगा तो लोग उंगली उठाएंगे, लेकिन न्यायाधीश को ये विचार करना चाहिए कि जल्दी त्वरित न्याय में गलती तो हो सकती है, लेकिन न्याय करते समय वो न्यायमूर्ति बैठा है, वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता, वो समाज के उस अंतिम व्यक्ति को देखता है जिसके साथ न्याय होना है, और न्याय करता ही करता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि थोड़ा त्वरित गति से हम फैसलों और निर्णयों को करने लगे, उसमें बार का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि बार के सहयोग के बिना फैसले त्वरित नहीं हो सकते। और इस डिजिटल के नए युग में जो नए इनोवेशन जोधपुर में हुए हैं, कई ई कोर्ट मिशन हुआ है, राष्ट्रीय न्याय डाटा मिशन हुआ है, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, कोई जमाना था एक डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट बनाने के बाद उसको 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर को कोई पुलिस अफसर, कोई एविडेंस करने वाले को किलोमीटर दूर था, और कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उसे हम जिरह कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और न्याय जल्दी कर सकते हैं। और इसीलिए अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हर केस के अंदर टाइम बाउंड हम निपटाने का प्रयास करें। और इसीलिए भारत की संसद ने 3 कानून पारित हुए। आप देख लीजिए कि 1947 से लेकर
हमें 75 वर्ष आजाद हो गए थे, लेकिन हम ब्रिटिश कानूनों से हमारा देश चल रहा था। मैं इसके लिए गृहमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझसे कहा कि भारत की संसद बनाए हुए कानून होना चाहिए, कानून में न्याय भी जल्दी मिले, इन्वेस्टिगेशन भी ठीक हो, इन्वेस्टिगेशन बदलते परिपेक्ष के अनुसार हो, जिससे बेहतर एविडेंस मिलेगी। मुझे आशा है इन तीन कानूनों के अंदर जो नए नवाचार करने, नए परिवर्तन करने, उसकी चर्चा संवाद हमेशा हमारी नियमित प्रक्रिया है, लेकिन हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। और इसीलिए तकनीकी का, डिजिटल का उपयोग भी जल्दी, सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए है। हम डिजिटल के अंदर जो भी नए इनोवेशन हो सकते हैं, और नए इनोवेशन करने का प्रयास करना चाहिए। हमने भारत की संसद के अंदर भी सारी संसद को डिजिटल संसद की ओर बढ़ाया। देश की जितनी विधायी संस्थाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। हमारी संसद की जितनी कार्रवाइयों को हमने डिजिटल किया है, ताकि मेटा डेटा के आधार पर कोई सब्जेक्ट से, नाम से, विषय से कभी भी कोई डिबेट को देखी जा सकती है, कोई विधेयक पारित हुआ उसको, उसकी चर्चा को सुना जा सकता है, ताकि कानून बनाते समय जो जिरह हुई थी, जो बातें हुई थी, उसको संज्ञान में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कानून की स्पष्टता भी नजर आएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के संविधान जो बना था और संविधान सभा की जो डिबेट है उसको जब हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से एक एक बिंदु पर कितनी लंबी चर्चा हुई थी, और भारत का संविधान बनाते समय उन सबका विचार एक ही था कि हम देश के अंदर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बना सकें और संविधान के तहत ही लोगों को व्यक्ति स्वतंत्रता, न्याय, समता के जो सिद्धांत है, जो दुनिया के अंदर भारत में है, उसका ठीक से पालन हो। इससे संविधान निर्माताओं ने भी बड़ी चर्चा डिबेट से बनाया था। मुझे आशा है डिजिटलन के इस युग में भी, इनोवेशन में भी, बार और बेंच मिलकर डिजिटल के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर हम देश और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो देश और दुनिया के परिवर्तन जोधपुर में हो, जयपुर हाईकोर्ट में हो, राजस्थान उससे अग्रिम पंक्ति पर रहे, उससे आपस में चर्चा संवाद होती रहे। और इस डिजिटल के इस युग के अंदर हम इस कोर्टों के माध्यम से निश्चित रूप से सहज सस्ता न्याय दिला पाएंगे, सुलभ न्याय दिला पाएंगे, उसकी भाषा के अंदर उसके फैसले मिलने लगेंगे तो व्यक्ति समझ भी पाएगा, और उन फैसलों के माध्यम से वह इस बात से सुनिश्चित व्यवस्था होगा कि मुझे न्याय मिला है और न्यायाधीश ने फैसला ठीक किया है। मुझे आशा है कि आज जो आपने विषय रखा है वह बदलते परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक विषय है, और विशेष रूप से मैं क्या से कह सकता हूं, जोधपुर में इसने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए इनोवेशन किए हैं जो देश में नहीं हुए हैं, वह जोधपुर ने किए हैं। हम मिसाल बने कि जो भी देश में परिवर्तन हो उसकी मिसाल जोधपुर हाट कोर्ट बने, और बेंच और बार मिलकर इसमें जो यथार्थ है, जो आवश्यकता है, उसके अनुसार परिवर्तन करने का काम करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।